हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग आए लोनावला एंड इस बार लोनावला का वेदर इज अमेजिंग। इस साल में जितनी बार भी अगर लोनावला आया ना, इस बार का वेदर इज ब्यूटीफुल। जस्ट हैव अ लुक। A beautiful location, man. What a beautiful location. This is the villa. I'll talk about it in a minute. But look at this view. Kya view hai bhai. Amazing, amazing. So here we are. Hum log hamare villa pahunch chuke. This is our villa. And this is the crazy beautiful view. ये विला में तीन रूम है। हम एक एक प्रॉपरली विजिट करते हैं, देखते हैं। मैं आपको प्रॉपर बताता हूँ। दिस इज हाउ द विला लुक्स फ्रॉम आउटसाइड। यहाँ पे पार्किंग के लिए अच्छा खासा स्पेस है। इजीली आपका चार पांच गाड़ी इजीली पार्क हो सकता है यहाँ पे। दिस इज द हॉल, द इंटीरियर। आई लव द इंटीरियर एंड लुक एट दिस व्यू फ्रॉम माई साइड। अभी जैसे आप इस साइड एंटर करोगे, यहाँ पे ना तीन पार्ट में डिवाइडेड है। एक यहाँ पे दो रूम है यहाँ पे, एंड तीसरा यहाँ पे किचन है। द रूम्स आर स्मॉल बट दे आर वेरी इक्विप्ड, प्रॉपर अच्छे से इंटीरियर किया हुआ है। एंड वेरी गुड पार्ट ना, यहाँ पे बाथरूम इज रियली ब्यूटीफुल। जस्ट गो इनसाइड द बाथरूम। एंड यहाँ पे एसी भी अवेलेबल है, विच इज एक्चुअली अ वेरी गुड पार्ट। दिस इज द बिगेस्ट रूम ऑफ दिस प्रॉपर्टी। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लाइट ऑन कर देता हूँ, आपको एक बेटर व्यू मिलेगा। इट्स ऑन। बाथरूम एकदम सिमिलर है एवरीवेयर। दिस इज द सेकेंड रूम, बट द बेस्ट थिंग जब मैं एंटर किया ना, विच वॉज के यहाँ पे यूटेंसिल्स सब अवेलेबल है, सब है यहाँ पे, एंड दे आर इन वेरी गुड कंडीशन। दैट इज वेरी गुड। सो करेंटली वी आर इन दिस हॉल। हम लोग, मैंने आपको एंट्री पार्ट आपको बताते हैं। दिस इज द सेकेंड पार्ट। यहाँ पे टीवी है, आपको यहाँ पे ना सोफा दिया है जस्ट टू एंजॉय, टीवी देख सकते हैं। बट लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, करंटली हम लोग को थोड़ा यहाँ पे वाईफाई अवेलेबल है, बट लेकिन वो चालू नहीं था करके। बट लेकिन थैंक्स टू फ्लॉयड, टू हिज ऑल इंडिया नेटवर्क, हम लोग आज मैच देख पाएंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आओगे जस्ट कॉल हिम एंड आस्क हिम अबाउट द इंटरनेट, क्योंकि यहाँ पे आपको इंटरनेट थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। जैसे आप है ना विला के बाहर आओगे, एज आई सेड बिफोर देर आर टू पार्ट्स डिवाइडेड। यहाँ पे है ना सिटिंग एरिया एंड शेड दिया हुआ है, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड, बिकॉज अगर बारिश हो गई यू कैन स्टिल सिट आउटसाइड एंड एन्जॉय दिस व्यू। अब लेट्स गो टू द, अरे आई सी दैट इन द एंड ना मरेसा, ओके आई सेड इट राइट नाउ। थैंक यू मरेसा। मरेसा ने ये प्लेस ढूंढा एंड आई एम सो थैंकफुल कि मरेसा ने ढूंढा। एयरबीएनबी पे भी ये प्लेस अवेलेबल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। बट स्टिल, और यहाँ पे जो प्रॉपर्टी ओनर है उनका भी आपको नंबर नीचे मैं दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बट स्टिल अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो एक महीने पहले बुकिंग करो, बिकॉज रियली इसका बुकिंग इट्स ऑलवेज फुल, इट्स ऑलवेज फुल। इवन इन ऑन वीक डेज ना इट्स फुल। जो विला का थर्ड रूम है वो विला के अंदर नहीं है, आपको पूल के साइड में है। पूल में आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, बट बिफोर दैट लेट्स लुक इनटू द थर्ड रूम। रूम्स यहाँ पे थोड़े छोटे हैं, बट लेकिन दे आर वेरी प्रॉपर। आई रियली लव दिस थिंग, अच्छा बनाया। और अंदर इंटीरियर, आई लव द इंटीरियर। एवरी रूम में ना एसी है, दैट इज बेस्ट पार्ट। एंड यहाँ पे भी आपको वॉशरूम दिया हुआ है। सो आपने विला का व्यू देख लिया, विला का व्यू बहुत ऑसम है। अब मैं आपको बताता हूँ पूल से आपको कैसा व्यू मिलता है। दिस इज द व्यू यू गेट फ्रॉम द पूल। एब्सोल्युटली अमेजिंग, एब्सोल्युटली अमेजिंग। एंड मैं आपको बोलूँगा, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो पहले से ही है ना, जो ये एरिया का ना, ये एरिया का ऑफलाइन मैप है ना, डाउनलोड कर लो तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको डायरेक्शंस में थोड़ा और सिंपल हो जाएगा।
बट लेकिन दो चीज़ ना, जैसे आप टाइगर पॉइंट छोड़ते हो वहाँ से ना आपको एक लेफ्ट लेना पड़ता है एंड वहाँ पे थोड़ा रोड ख़राब चालू हो जाता है, रोड इज़ बैड देयर। ऑलमोस्ट 20 मिनट्स का जो ड्राइव है ना, इट इज़ लिटल बैड, बट ठीक है चलता है करके। इफ़ यू आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ व्यू, थोड़ा तो झेलना बनता है करके। अगर यहाँ पर नेटवर्क भी प्रॉपर मिल जाए, यू विल लव दिस प्लेस। एंड आप अगर ऐसी प्लेस पे आ रहे हो, नेटवर्क की ज़रूरत क्या है? एंड 100% विदाउट एनी डाउट आई कैन से दिस, अब तक मैं जो लोनावला में जो मैं बहुत मैं विलाज में विजिट किया हुआ है, बट दिस इज़ द बेस्ट विला मैं अभी तक जहाँ पे आया हुआ करके। लुक एट दिस व्यू, दिस इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल यार, अमेजिंग। सो आप यहाँ पे आ रहे हो ना, आप सोच रहे हो सिर्फ विला ही है, यहाँ पे टेंट भी अवेलेबल है। ये दो प्लेसेस है ना टेंट के लिए, करंटली फॉर सम रीज़न लोगों ने अभी टेंट निकाले हुए हैं, बट लेकिन एयरबीएनबी पे जो टेंट के जो फोटोज थे ना, मैं आपको यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ पे टेंट होते करके। What? This is how you make cheap mic? I can't. I'm sorry. मैं साथ तेरे पे आज है ना, best mic खिलाएगा, best mic. I know this is not what you see every day. एक बंदा ही खाता है। खाता है एक एक लंच इज रेडी, वेरी सिंपल, मैगी एंड दो ब्रेड बटर, दैट्स इट, सिंपल एंड मस्त, सो ब्यूटिफुल यार, मस्त। अभी बारिश चालू हो गया है, मौसम एकदम चेंज हो गया है, इट्स सो लवली राइट नाउ, ठंडा हो गया एकदम। अब बारिश ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है एंड आपको बिफोर एंड आफ्टर में अभी डिफरेंस पता चलता रहेगा। जस्ट लुक एट इट, पहले माउंटेंस वगैरह डिसअपियर हो गए थे एंड नाउ इट इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल। अब थोड़ी देर में ना हम लोग पूल में जाने वाले हैं। Had a crazy blast in the pool, बहुत मजा आ गया, game में खेल लिया and बस ये sunset थोड़ा सा और enjoy कर लिया। अब थोड़ा सा freshen up हो रहे हैं to watch the match। अभी फटाफट ready होते हैं and हम लोग ने some way जुगाड़ निकाला है करके internet का, it's working, so अभी बस है ना TV पे connect करेंगे and let's start this game. Come on! फाइनली हम लोग है ना लेक की तरफ थोड़ा वॉक करके जा रहे हैं। आज थोड़ा वेदर थोड़ा सनी है, इट्स गुड एक्चुअली गुड, थोड़ा सा गर्म बट लेकिन इट्स फाइन। अगर बारिश होता ये भी नहीं जा पाते थे हम लोग, बट लेकिन जाते एंड में, लेट्स सी हाउ इट इज, द रोड इज फाइन। कल हम लोग नहीं आए बिकॉज इट वॉज रेनिंग और फिर बाद में सोचा यहाँ पर कुछ एनिमल निकल जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, इसके लिए हम लोग कल नहीं आए, बट लेकिन आज सोचे है सनी तो लेट्स ट्राई इट ना। इधर अरे बट लेकिन चेयर लेके आते ना, व्हाई डू आई फील लाइक ना एक थोड़ा एक रिस्क रहता था। अरे क्योंकि यहाँ पे देख स्नेक इजीली, अरे अभी भी नॉर्मली भी स्नेक देख यहाँ पे इजीली कहीं पे भी वो छुपा हुआ सकता है करके यार। यहाँ पे हम लोग इसी डर से यहाँ पे आए नहीं थे, बट लेकिन ठीक है अभी तो ऐसे डे टाइम है तो इतना प्रॉब्लम नहीं, देख देख के चल रहे हैं। Had a beautiful stay here, बहुत मज़ा आ गया and we got lucky yesterday, we got everything, मतलब हम लोग को सुबह थोड़ा सनी मिला, after that rain हुआ and lastly evening में ना मस्त है ना ठंडा हो गया था, तो तीनों मिल गया, we got very lucky and यहाँ पर ना place and service was really good है, मेरे को actually बहुत अच्छा लगा
फूड वी मेड, तो मतलब मैं फूड का रिव्यू दे नहीं पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे कैसा फूड था वगैरह, वो यहाँ पे आप आओगे ना तो यू कैन कॉल एंड मुझको पूछ सकते हो। आई एम रियली सॉरी, फूड का रिव्यू मैं दे नहीं पाऊंगा, बट लेकिन स्टिल अदर देन दैट ना वी हैड फन यार, बहुत मजा आ गया रात का टाइम में ना। मैं आपको लेकिन एक बार सजेस्ट करूंगा करके, रात का टाइम में आप ट्राई करो कि प्रॉपर्टी में रहो ज़्यादा, है ना, आप बाहर मत जाओ, बिकॉज आज वो जो पूरा जंगल है एंड ना स्नेक वगैरह व्हाट यू नो मतलब कुछ भी हो सकता है करके, तो बी ऑन द सेफ साइड क्योंकि आप ना ऑलमोस्ट जंगल के बाजू में हो एंड यहाँ पे कुछ सांप निकलना बहुत कॉमन सी बात हो जाएगी, सो आप सेफ रहोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।